वेलकम टू नेहा यूनिक किचन। आज हम बना रहे ब्रेड कस्टर्ड डिलाइट। ये इतना मज़े का है, इसका टेस्ट 70% रसमलाई जैसा होता है और ये मिनिमम 5 to 7 मिनट्स में बन जाता है। ये ईद के लिए परफेक्ट डेजर्ट है। अभी हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, उसमें 2.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर, पिंच ऑफ सैफ्रॉन, ये ऑप्शनल है, अगर डालूंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम ब्रेड के एजेस को कट कर देंगे। अगर आपको रसमलाई खाना है और अवेलेबल नहीं है तो आप ये डेजर्ट बनाइए, आपको कोई भी रसमलाई की कमी नहीं होगी। ब्रेड के एजेस को हमने कट कर दिया है, यहाँ पे हमारा कस्टर्ड थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसकी क्रीम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून शुगर लिया है, इसमें 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा क्रीम बन के रेडी हो गया है जो हम सैंडविच में यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़े का डेजर्ट है, इसकी कितनी भी तारीफ करें कम है। बस हमें इतना ही थिक करना है, जैसे रबड़ी की कंसिस्टेंसी होती है उतना ही रखना है। अभी हम ब्रेड के 4 पीस कर देंगे, हम मिनी सैंडविच बनाएंगे इस तरीके से। सारे को हमने कट कर दिया है, कस्टर्ड भी हमारा थिक हो गया है, उसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जो हमने क्रीम बनाया है उसे हम इस तरीके से लगा देंगे ताकि हम सैंडविच का शेप दे सकें। ऐसा डेजर्ट आपने कभी भी नहीं खाए होंगे या आपने देखे होंगे। इतना यूनिक स्टाइल का है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। ये जो लेफ्ट ओवर क्रीम है वो हम कस्टर्ड में डाल देंगे जो हमने बनाए हैं। इसे हम कुक नहीं करेंगे क्योंकि क्रीम हम ऐसे भी खाते हैं और मिल्क पाउडर हम चाय पे डाल के भी यूज़ करते हैं, तो हम इसे पकाएंगे नहीं। जिस बाउल में आपको डिश आउट करना है उसमें सबसे पहला हम कस्टर्ड डाल देंगे। 2 स्पून के करीब हम कस्टर्ड डाल देंगे नीचे। फिर हम हमारे मज़ेदार सैंडविच रखेंगे। आप देख सकते हो कितना डिफरेंट स्टाइल का हमारा डेजर्ट बन रहा है। आप इसमें पहचान ही नहीं सकते कि इसमें हमने ब्रेड डाला है। फिर इसमें हम भर के हमारा कस्टर्ड डाल देंगे। अब धीरे धीरे डालें क्योंकि ये ब्रेड ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सैंडविच का शेप बिगड़ सकता है। इसके लिए हम धीरे धीरे डालें, अच्छे से भर के डालें ताकि हमारी सैंडविच पूरी डिप हो जाए। हमारा डेजर्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल में लग रहा है। देखिए, अभी गार्निशिंग के लिए हम इसमें आलमंड रख रहे हैं, आप चाहे तो पिस्ताचू भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम सैफ्रन डालेंगे। ये हमारी रेडी हो गई है, अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये इसे आप एकदम चिल सर्व करें। ये रस मलाई से कुछ कम नहीं, बहुत ही मज़े की है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये हम बना रहे हैं मंदी, जो कि हमने पहले भी बनाया है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही कमाल की और टेस्ट में इतनी अच्छी है कि आप इसे बार बार बनाओगे। ये देखिए, हमारी रस मलाई रेडी हो गई है और ये एकदम चिल है, बहुत ही मज़े की है। जो भी इसे खाएगा वो पहचान नहीं सकता कि इसमें हमने ब्रेड डाला है। ये हमारी यमी सी डेजर्ट रेडी हो गई है। आप इसे ईद में बना सकते हैं या कोई भी ओकेजन में इसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। घर में ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, इतनी आसानी से टूट गई। ये है हमारी मंदी का फाइनल लुक। इसके साथ में हम मंदी की चटनी खाते हैं, बहुत ही मज़े का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।